टेस्टी है, थैंक यू, मैंने बनाया है तो मैं इसको भी डाल दूंगी और सारे आप मिक्स कर देंगे। सो मैं सोच रही हूँ केक बनाऊँ के, सो मुझे नहीं पता मेरे पास क्या क्या सामान है, लेकिन मेरे पास जो भी सामान है मैं उसी से बनाने के लिए ट्राई करती हूँ। सो हाँ चलिए बनाते हैं। मेरे पास मैदा तो होगा, लेकिन उसके अलावा क्या क्या है वो मुझे नहीं पता। सो अभी मैं किचन में जाती हूँ, देखती हूँ मेरे पास क्या क्या है, और जो भी सामान है मैं उसी से बनाऊँगी, बस सिंपल बनाऊँगी। सबसे पहले तो हम इस केक टिन में तेल लगाएंगे इस तरह से पूरा तेल को लगा देंगे। अब इसमें मैदा इस तरह से पूरा फैला देंगे इस तरह से। मेरे पास बटर पेपर नहीं है, सो मैदा से ही काम चला लूँगी ये। सो अब इसको हम साइड में रख देंगे। हमने एक ये बॉल ले लिया है, तो अंडा को मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। सो अभी हम इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। सो इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। मेरे पास ये है, सो मैं पहले से लेकर रखा हुआ था, सो इसको डालेंगे। और आप हम इसको अब अच्छा से मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसको हम और थोड़ा सा डाल देंगे। और मेरे पास ये पहले का टूटी फूटी ये बना, जो पहले केक बनाने का टाइम में मैंने लेके आए थे, तो वो भी बचा हुआ था, सो मैं इसको भी डाल दूंगी और सारे आप मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं ये बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको केक का टिन में डाल दूंगी इस तरह से। सो ये डाल दिया मैंने। अब इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा डिप डिप करेंगे और अब ये ऊपर से और थोड़ा सा इसको इस तरह से गार्निश करेंगे। सो ये कढ़ाई मैंने पहले से हीट होने के लिए रख दिया था, अंदर में नमक डाल के और इसको ढक के। सो ये थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे पकड़ने वाला निकल गया, इसलिए जो मेरे पास ऑलरेडी पहले का केक बनाया हुआ जो नमक था वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी को यूज़ किया। अब हम इसको केक का टिन को रख देंगे इधर में, आराम से हाथ जल ना जाए। सो और हम इसको ढक के रख देंगे 35-40 मिनट के लिए, एकदम आग को लो फ्लेम में रखेंगे। ये पक गया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा क्लीन आया है। सो अब हम इसका गैस ऑफ करेंगे और इसको उतारते हैं। सो गाइस ये आप देख सकते हैं केक बनके बिल्कुल तैयार है। सो अब हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमारा चाय भी हो गया है, सो हम चाय के साथ
इसको खाएंगे अभी। सो गाइस, मैंने केक काट लिया है और अभी हम चाय के साथ इस केक को खाएंगे। सो भैया, अभी आपने केक खाया, वो केक कैसा लगा आपको? केक तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका वो लगा कि जो उसमें अपने ड्रेसिंग टूटी फूटी था। हाँ, उसका टेस्ट अलग था। हाँ, थैंक यू सो मच भैया। तो नेक्स्ट टाइम भी बनाएंगे। ओके। हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। आज कैसा याद आया मेरी? ऐसे हाँ, ये मेरा फ्रेंड है, ये लोग मेरे को मिलने आते हैं। रुको, हाँ मैंने कुछ बनाया है, मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ, ठीक है? थोड़ा वेट करो। सो, ये मैंने बनाया, अभी खाओ, उसके बाद बताओ कैसा, दीदी ने कैसा बनाया, अभी खा के बताओ, ठीक है, कैसा बनाए? टेस्टी है। थैंक यू। सच्ची बोला ना, झूठ बोला? सच्ची बोला, मैंने बनाया है। हाँ, थैंक यू। आपको फ्रेंड कहाँ है? आपका फ्रेंड दूसरी वाली? मैंने सुना है आप लोग झगड़ा हुआ है, आप लोग झगड़ा हुआ है, मैंने सुना है। झगड़ा क्या था, क्या है? क्यों ऐसे झगड़ा हो गया? फाइटिंग हुआ? हाँ, दीदी का फाइटिंग हुआ था फ्रेंड के साथ? नहीं हुआ? अरे देखो, झूठ बोला है। अच्छा लगा? ओके, बाय बाय बाय। ये पंकज ने कुछ मंगवाया है आजियो से, सो अभी जस्ट अभी आया है, सो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ इसके अंदर क्या है। ये शर्ट है, लास्ट टाइम उसने मंगवाए थे लेकिन वो बड़ा हो गए थे, सो उसने रिटर्न करके वो स्मॉल साइज मंगवाए थे, सो वही आया हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं, मैं पूरा ओपन तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इधर ही देख के पता चल गया है क्या है। सो बस हाँ, यही है आज का वीडियो को मैं इतना में एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा, तो फिर मिलते हैं अपने शो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।